दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर। ठीक है दोस्तों, मैंने एक चीज शुरू से ही बताया था कि देखिए नियोजित शिक्षक अगर आप लोग यूनिटी के साथ हैं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अधिकार है और आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान है। संविधान के द्वारा भी दोस्तों आप लोगों का हक है कि आप लोग नियोजित शिक्षक जितने भी हैं आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले बिना किसी शर्त और बिना किसी मंजूरी के लिए। बस ये है कि आप लोग की आवाज थोड़ा सा दबा दी जाती है, थोड़ा सा आप लोग भी डर जाते हैं कि अगर हम परीक्षा नहीं देते तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हमको बाहर कर देगी। ये स्वाभाविक है, मानव की प्रवृत्ति है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप लोग की आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा और 100% आप लोगों को सफलता और जीत मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है, हम उसको डिस्कस करें। उससे पहले निवेदन करूंगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक, ठीक है, बिना परीक्षा के राज्यकर्मी के दर्जा के सपोर्ट में हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वही लोग लाइक करेंगे जो बिना परीक्षा के सपोर्ट में हैं, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मेरा उन शिक्षकगणों से निवेदन है आप लोग शिक्षा विभाग में आगे बढ़ें और आप लोग प्लीज अगर आप लोग सपोर्ट में हैं नियोजित शिक्षकों के बिना परीक्षा के तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक बात पहुंच चुकी है और इसके लिए कल एक बहुत ही बड़ी शिक्षा विभाग की मीटिंग का आयोजन किया गया है। कई सारे बिंदुओं पर, कई सारे पहलुओं पर ध्यान देकर के कल अंतिम निर्णय हो जाएगा और उम्मीद यही जताई जा रही कि कल आप लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है। ठीक है, तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट करेगा कल की मीटिंग के ऊपर, और मीटिंग जैसे ही दोस्तों शुरू होगी या मीटिंग संबंधित कोई भी अपडेट आएगी हम आपको चैनल के माध्यम सूचित कर देंगे। आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। ठीक है, जय हिंद।